नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदा एक्स्ट्रा। इसे आप बच्चों के स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर के बाद ये हमारा फाउंडेशन रो है, इसमें हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह हम दो लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी लाइन से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो अब हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लेंगे और पहला फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा बुन लेंगे। फिर 3 फंदा स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, उन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे। 3 फंदा स्लिप कर लेंगे और फिर अगला 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। और इन्हीं 6 फंदों को, ये पहला फंदा एज स्टिच है, और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदा स्लिप करना है और अगला 3 फंदा उल्टा बुनना है। नेक्स्ट 3 फंदा स्लिप करेंगे और ये लास्ट फंदा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। डिज़ाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड। अब बुने हुए फंदे हम सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। अब 3 फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदा ये बुना हुआ है, इसे हम सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3। और स्लिप किया हुआ फंदा वापस ऐसे पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे। 3 फंदा सीधा बुनेंगे और 3 फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट फंदा सीधा। थर्ड रो में हम अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। और फोर्थ रो में सभी फंदे उल्टे। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मेन लाइन है, इसमें हम प्राइमरी कलर से ही 2 फंदा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लिया, अगला फंदा सीधा। फिर हम ये स्लिप किए हुए जो फंदे हैं इसके अंदर ऐसे सिलाई डालेंगे और तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे और फिर फंदे को इन दोनों के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। फिर 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3। 5 फंदा सीधा बुनने के बाद फिर सिलाई, ये हमारे जो स्लिप किए हुए फंदे हैं तो धागा आगे था, तो इसके अंदर से ऐसे डालेंगे और हमारा ये स्लिप किया हुआ फंदा दूसरा फंदा है, यानी सेंटर फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे और फिर इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। फिर 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 धागों के अंदर से ऐसे सिलाई डालेंगे और ये हमारा स्लिप किया हुआ फंदे का सेंटर फंदा है, यानी दूसरा फंदा है। इन ऐसे बाएं सिलाई में तीनों को चढ़ाएंगे और एक सीधा फंदा बुन लेंगे, या तो हम इस तरह से भी बुन सकते हैं। और लास्ट दोनों फंदे उल्टे और लास्ट के दोनों फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा।
सातवीं लाइन में फिर हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनाई करेंगे और चार फंदों को उल्टा बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, और फिर तीन फंदों को स्लिप कर लेंगे। एक, दो, तीन, फिर तीन फंदों को सीधा उल्टा बुनेंगे। एक, दो, तीन, और फिर तीन फंदों को स्लिप कर लेंगे। एक, दो, तीन। तो इस तरह तीन फंदों को उल्टा बुनते हुए और तीन फंदों को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। शुरुआत में भी चार फंदा उल्टा बुना गया था और लास्ट में भी चार फंदा आएगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह तीन फंदों को उल्टा बुनते हुए और तीन फंदों को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। शुरुआत में भी चार फंदा उल्टा आया था और लास्ट में भी चार फंदा उल्टा ही आएगा। और रॉन्ग साइड से बुने हुए उल्टे फंदे अब सीधे बुन लिए जाएंगे। तो चार फंदा सीधा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर चार फंदा सीधा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और लास्ट में भी चार फंदा सीधा। नाइन्थ रो में अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। और टेंथ रो में सभी फंदे उल्टे। एलेवेंथ रो में फिर हमारा मेन लाइन रहेगा जो प्राइमरी कलर से ही बुना जाएगा। तो पांच फंदे सीधे बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर सिलाई को इन दोनों धागों के अंदर से ऐसे ले जाएंगे और ये हमारा तीन स्लिप किए हुए फंदे में से बीच का फंदा है। तो इसे हमें सीधा बुनना है। तो सीधा बुनेंगे और फिर फंदे को इन दोनों धागों के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। फिर पांच फंदा सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर दोनों धागों के अंदर से ऐसे सिलाई ले जाएंगे और ये हमारा तीन फंद स्लिप किए हुए तीन फंदों का बीच का फंदा है। तो इसे हमें सीधा बुनना है। तो या तो हम इन तीनों को बाएं सिलाई में ऐसे चढ़ा लेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो इन दोनों तरीकों में से कोई भी आप अपना सकते हैं। और लास्ट में पाँच फंदे बचेंगे जिसे हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो इस तरह हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है। इसमें मैंने प्राइमरी कलर को यानी बेस कलर को लाइट रखा है और दूसरे में बेस कलर को डार्क रखा है। तो ये दोनों तरह का डिज़ाइन, ये आप चाहें तो बेस कलर को लाइट या बेस कलर को डार्क रखेंगे, डिज़ाइन दोनों में ही बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। 12 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन आपके सामने है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।